अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक दफ़ा फिर हम मरहम के लाइव सेशन के साथ आपके सामने मौजूद हैं और इस दफ़ा हमारा टॉपिक है ईद के बारे में। आप सब लोग ईद की काफ़ी सारी तैयारियां आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी होंगी माशाल्लाह से, और बहुत सारे लोगों ने अपना कुर्बानी का जानवर भी ले लिया होगा और बच्चे उनके साथ इंजॉय भी कर रहे हैं। सब मतलब हर तरीके से लोगों की तैयारियाँ जारी है और सारी हैं। तो हमने सोचा कि हम इस ईद के ऊपर कैसे आप लोगों के साथ इसको कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट इशू के साथ आए और वो ये था कि लोग हर चीज़ की तैयारी करते हैं ईद के ऊपर सिवाय एक चीज़ के, कि उन्होंने इस ईद के ऊपर अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। तो अपनी सेहत का ख्याल आपने इस ईद के ऊपर कैसे रखना है, कैसे स्टमक के इश्यूज से अपने आप को बचाना है, और बहुत डिफरेंट सारे मसाइल जिनके बारे में हमें बिल्कुल आगाही नहीं है लेकिन वो मौजूद होते हैं, उनको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज एक कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर सलमान जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम टू डिस्कस द रियल इश्यूज विद पीपल। और अब उन्हीं को डिस्कस करने के लिए, जो डॉक्टर साहब हैं ये माशाल्लाह से उमर हॉस्पिटल और हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं लाहौर में, और ये हमें आज बताएंगे कि कैसे हम ईद को एक हेल्दी और बेहतर तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में लोगों को ईद के ऊपर किस तरीके के मसाले ज़्यादा पेश आते हैं, लाइक आफ्टर ईद किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, उनके अंदर क्या हेल्थ हैज़र्ड्स होते हैं, क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए कि ये बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, जिनका हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में ख्याल नहीं रख रहे होते। देखिए, इसमें अब दो चीज़ें हैं। ज़ाहिर बात है कि ईद के मौके पर हर बंदा बहुत एक्साइटेड होता है और जनरली हम अपनी हेल्थ को और अपनी एक्टिविटीज़ को उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह से नॉर्मली एवरीडे लाइफ में देखते हैं। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो चीज़ ये है कि क्योंकि इस ईद का मेन फोकस हमारा खाना पीना होता है, तो उसमें ये चीज़ कि हम एक तो ये कि खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, और जो खा रहे हैं वो किस तरह से बनाया गया है, उसका कॉन्टेंट क्या है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ में जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं वो किस तरह की डेवलप हो रही हैं। क्योंकि जनरली ये होता है कि ईद के मौके पे हम लेट नाइट पार्टीज़ भी चल रही होती हैं, खाने पीने का जो हमारा स्केजुअल है वो भी चेंज हुआ होता है। तो बेसिकली इन दो चीज़ों पे ये है कि स्टमक के इश्यूज़ के साथ पेशेंट, एसिडिटी के साथ और स्टमक पेन के साथ, वॉमिटिंग, डायरिया, इसके साथ में मेजॉरिटी पेशेंट्स हैं वो कंप्लेन करते हैं, वो आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और आप लोगों से मैं ये भी एक आपको अपॉर्चुनिटी है कि ड्यूरिंग दिस लाइव सेशन आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप हमें कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। हम जो है वो आफ्टर द हम जो सेशन के एंडिंग सेशन में आप लोगों के उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी प्रोवाइड कर देंगे। तो डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसे मतलब चीज़ें हैं लाइक उनको हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, लाइक कोई ऐसी 4 से 5 टिप्स कि अगर हम उनका ख्याल रखें ड्यूरिंग दिस ईद तो वो हमें हेल्प करेंगी? देखिए, इसमें अब दो चीज़ें हैं। अगर हम जनरल पॉपुलेशन को डिवाइड कर लें दो ग्रुप्स में, एक वो लोग जिनको पहले से स्टमक के इश्यूज चल रहे हैं और वो पहले से कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं उनके लिए जनरली कुछ टिप्स कुछ और हैं, और जिन लोगों को पहले से प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। जो लोग पहले से ही स्टमक के पेशेंट्स हैं, एसिडिटी हो रही है उनको और पहले से ही कुछ ना कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, उनके लिए जनरली जो रूटीन उनकी पहले है उसी तरह से ही उनको चलना चाहिए। एक तो मेडिसिन उन दिनों में स्किप नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि साथ में जो कुछ खा रहे हैं उसका जो कंटेंट है उसमें खासतौर पे कि स्पाइसी और ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ स्पाइसी तो और ऑयली हाँ, तो लेकिन ये कि उसको ये है कि स्पाइसेस हों, लेकिन जाहिर है यू कैन यू शुड ऐड टेस्ट टू योर ईट, लेकिन ये है कि उसमें कि स्पाइसेस थोड़े हों, और स्पेशली जो बारबेक्यू फूड्स हैं उनको स्टमक के पेशेंट जनरली उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये है कि बारबेक्यू फूड्स के जो होते हैं उनके साथ में एसिडिटी का इशू ज़रा ज़्यादा बढ़ जाता है। और डेफिनेटली उनके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो लेट नाइट मील ले के उसके बाद फ़ौरन मत लेटें, और वो पेशेंट जिनको पहले से स्टमक के इश्यूज नहीं है जनरली उनका स्टमक हेल्दी है, डाइजेशन हेल्दी है, तो उनके लिए ऑब्वियसली दे कैन ईट एवरीथिंग, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ी सी मॉडरेशन होनी चाहिए कि उसमें ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा ऑयली उनको भी ना लें, और अगर उनको ऐसी कोई दरमियान में फीलिंग आती है, कोई ऐसे है कि एसिडिटी की फीलिंग आ रही है, तो उसमें वो जनरली ओवर द काउंटर को मेडिसिन है तो वो उस टाइम पे वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन में क्या चीज वो एट द टाइम ले सकते हैं, और कौन सी सिचुएशन हो तो बिल्कुल मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, किसी डॉक्टर को ही विजिट करना चाहिए? उसमें देखिए ये है कि अगर हम रूटीन में ऐसा होता है कि हम कोई चीज अगर खाते हैं तो उसके बाद फॉर द टाइम बीइंग हमें कोई एसिडिटी और की फीलिंग आती है या हार्ट बर्न की फीलिंग आती है एट टाइम्स उन लोगों में जिनमें पहले से कोई स्टमक के इशू नहीं है, तो हम
जो जनरली अवेलेबल एंटासिड्स उनको हम कहते हैं कि जो एसिडिटी को फौरन न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कुछ ऐसे स्टमक की टैबलेट्स मिल जाती हैं, कुछ ऐसे सिरप मिल जाते हैं ओवर द काउंटर फार्मेसी पे विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, जिनको आप फॉर द टाइम बीइंग यूज करके और अपनी एसिडिटी को रिलीव कर सकते हैं. तो लेकिन वो पेशेंट जो कि पहले से स्टमक की मेडिसिन ले रहे हैं उनको अपनी मेडिसिन को स्किप नहीं करना है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, और जो अगर जिन लोगों को डायरिया का इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं वो किन रीजंस की वजह से ऐसा होता है? उसमें दो चीजें हैं. एक तो ये ऑब्वियसली जो मेन चीज है वो सैनिटेशन है, नंबर वन, कि अगर तो खाना प्रॉपर तरीके से बनाया गया है और उसमें हाइजीन का ख्याल रखा गया है तो उसमें आमतौर पर डायरिया के चांसेस कम होते हैं. लेकिन ऐसे पेशेंट्स ज्यादा, एक तो ये सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है और दूसरी चीज ये है कि अगर ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो सम टाइम्स हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अकोमोडेट नहीं कर पाता और उन पेशेंट्स को डायरिया शुरू हो जाता है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, तो इसके अलावा ये है कि जो सैनिटेशन के हमारे इश्यूज हैं वो लोगों को, जैसे बिल्कुल भी वो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि ईद के दिनों में हमारे इर्द गिर्द हमारे इन्वायरमेंट में सैनिटेशन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता, या जब आप लोग इस सिलसिले में खाने वगैरह बनाते हैं वो अगर अनकुक्ड हों ना सही तरीके से ना चीज़ें प्रॉपरली क्लीन की जाएँ तो वो भी हमारी सेहत को बड़ा नुकसान दे सकती हैं. तो उस सिलसिले में सैनिटेशन या हाइजीन से रिलेटेड किन चीज़ों का हमें स्पेसिफिकली ख्याल रखना चाहिए? उसमें एक तो चीज़ ये है कि सबसे पहले तो पर्सनल हाइजीन आती है, उसके बाद फिर हमारी कलेक्टिव हाइजीन है एज अ कम्युनिटी. तो पर्सनल हाइजीन इज लाइक कि आपने, एक तो चीज़ है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बुचर जो कि ऑब्वियसली सारा गोश्त तैयार करेगा और सब करेगा, एक तो हमें ये इंश्योर होना चाहिए कि दे शुड बी प्रॉपरली हाइजीन पर्सन, उनके हाथ धुले होने चाहिए जब मीट कटिंग हो रही है, मीट प्रेपरेशन हो रही है तो उसका ख्याल रखना है. दूसरी स्टेज पर आती है खाना बनाने की, मीट शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड. और फिर दूसरी चीज है कि इट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड एज वेल, क्योंकि अनकुक्ड या हाफ कुक्ड मीट के अंदर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि फ्लरिश करते हैं और उनकी वजह से डायरिया भी हो सकता है और उनकी वजह से और प्रॉब्लम्स भी आते हैं. तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल हाइजीन भी हो और उसके बाद फिर कलेक्टिव हाइजीन ये है कि अगर एनिमल लिटर है, एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं तो उनको ऑन द रोड्स, ऑन द स्ट्रीट्स ऐसे ना फेंका जाए, उनकी प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे जो वाटर कनेक्शंस हैं, जो 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 कम्युनिटी वाटर सप्लायर्स हैं उनके साथ फिर मिक्स होते हैं और ये बिग सोर्स हैं फॉर हेपेटाइटिस ए और ई. पाकिस्तान में जो है हेपेटाइटिस ए और ई में पाकिस्तान बहुत मतलब हाई रैंकिंग में के ममालिक में आता है, तो इसकी क्या बेसिक वजह है कि, और अगर जो लोग इससे गुजर रहे हों उन्हें बहुत अरसे तक इस बात का पता ही नहीं लगता कि दे आर गोइंग थ्रू दिस, और हर साल जो है वो बहुत सारे लोग इसी हाइजेनिकल इशू की वजह से इसका शिकार होने लग जाते हैं, या वो लोग जिन्होंने अपने इर्द गिर्द जो है वो कहते हैं कि हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो हमारे गांव और देहात में ज्यादा फैलता है, तो किस किन चीज़ों से अगर मतलब लाइक ये अगर हम अपनी सोसाइटी में या अपनी आम जिंदगी में कुछ चीज़ों का ख्याल रखें तो वो उसको बेहतर कर सकते हैं, जैसे कहते हैं कि एक क्लीन वाटर. जी, इसमें दो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है. हेपेटाइटिस ए और ई जनरली दो ऐसी बीमारियां हैं जो कि आमतौर पे फूड एंड वाटर इन दोनों से ही रिलेटेड है. सो बेसिकली इसमें हाइजीन या स्टार्टिंग फ्रॉम पर्सनल हाइजीन टू कम्युनिटी हाइजीन जैसे पहले बात हुई, तो उसमें एक तो साफ पानी होना चाहिए, दूसरी चीज ये है कि साफ खाना होना चाहिए और उसके स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम फूड प्रेपरेशन टू फूड कंजम्पशन. तो हाइजीन का, अगर पर्सनल हाइजीन, हाथ धोए हुए हैं, खाना प्रॉपरली बना हुआ है और जो हम पानी पी रहे हैं और वो खास तौर पे बॉयल्ड वाटर है या एटलीस्ट एक मिनरल वाटर है कि उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं है. तो क्योंकि जो आमतौर पे जो जैसे आपने बात की है कि विलेजेस के अंदर ये खासतौर पे, क्योंकि वहाँ पे सीवरेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है और वो जो पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर है सम टाइम्स वो इवन शहरों में भी इस तरह से है कि वो मिक्स हो जाता है, तो दैट इज अ बिग सोर्स. तो हमारे यहाँ पे इसीलिए क्योंकि यहाँ पे probably community resources उतने नहीं है और उस तरह से sanitation नहीं हो पाती है, तो इसीलिए यहाँ पे hepatitis A और E ज़्यादा है. ओहो, अच्छा, आप लोग भी हमारे साथ during this live session share कर सकते हैं कि आप लोग अपनी ईद को किस तरीके से celebrate करते हैं इस ईद के ऊपर, या आप लोगों का eating routine या आम दिनों में आप लोग क्या चीज follow कर रहे होते हैं. डॉक्टर साहब, आप किस तरीके से ईद मनाते हैं और आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में एज अ gastroenterologist किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? उसमें यही चीज़ है बेसिकली, अगर हमने अपना हेल्दी स्टमक और हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम रखना है तो उसमें यही चीज़ है कि आपके खाने पीने की, एक तो ये कि कंटेंट ऑफ फूड दैट यू आर ईटिंग उसका ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा ठीक है आप एंजॉय करें, लेकिन ये कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा होगी तो वो खराबी करेगी.
तो उसमें हम यही आमतौर पर जो मैं उसमें करता हूँ यही है कि ज़्यादा स्पाइसेस, ज़्यादा ऑयली फ्राइड आइटम्स और ओवर ईटिंग, और स्पेसिफिकली खाना खाने के फौरन बाद लेट जाना, तो इन चीज़ों का ख्याल जनरली रखा जाता है। मैं खुद इन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद अगर आप फौरन लेटेंगे तो उससे एसिडिटी भी बढ़ती है, एसिड रिफ्लक्स जिसको हम कहते हैं कि हार्ट बर्न बहुत हो रहा है, और वो एसिडिटी बाज पेशेंट्स को लगता है कि वो गले तक पहुँच रही है और गला बहुत ख़राब हो रहा है, और उसके साथ वॉमिटिंग भी समटाइम्स शुरू हो जाती है। तो जनरली यही दो तीन पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक जगह पर एक कहीं पर पढ़ा था कि अगर आपका जो मैदा है वो ठीक हो तो आपका जो जिस्म है वो बाकी भी सारी चीजें ठीक रहती हैं, ये क्या बात दुरुस्त है या ये? टू सम एक्सटेंट इट इज, बिकॉज अगर आपकी डाइजेशन, जो चीज आप खा रहे हैं अगर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रही और वो प्रॉपरली आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बन रही, तो जनरली आपकी इम्यूनिटी कम होगी। हाँ। और अगर आपके न्यूट्रिएंट्स, जो जो कुछ आप विटामिन्स ले रहे हैं या आयरन खा रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो अगर वो डाइजेस्ट ही प्रॉपर नहीं हो रहा तो डेफिनेटली पूरी बॉडी पे फर्क तो पड़ेगा। अच्छा, आप हमारे से कोई स्टोरी शेयर करते हैं कि कोई एक ऐसी सिचुएशन थी कि अपने बुरे लाइफस्टाइल की वजह से कोई पेशेंट आपके पास आया हो और उसकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल हो? बहुत क्रिटिकल तो नहीं, लेकिन जनरली हम ऐसे पेशेंट्स हमारे पास जरूर आते हैं जो कि ओवरवेट होते हैं, जिनका खाना पीना जो है वो ऑफिस वर्क की वजह से या रूटीन उनकी ऐसी है कि लेट नाइट घर आते हैं, तो दे एंड अप हैविंग टू और थ्री प्रॉब्लम्स। एक तो ये है कि उनके अंदर ओबेसिटी, ओवरवेट होना बहुत कॉमन हो जाता है। दूसरी फिर चीज़ है कि स्टमक इशूज, डेफिनेटली हार्ट बर्न और एसिडिटी, वो तो लॉन्ग टर्म चल ही रही होती है। और तीसरा ये कि दे एंड अप हैविंग लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन देयर ब्लड, और अल्टीमेटली वो कोलेस्ट्रॉल फिर फैट की शक्ल में हमारे लिवर के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो बहुत क्रिटिकल तो नहीं, लेकिन ये स्लो किलर्स होते हैं कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, उसको हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया, लिवर पे फैट इकट्ठा हो गया और वो लिवर को खराब करना शुरू कर देता है। अच्छा, और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड का मसला हो, ठीक है, उनके लिए भी यही है कि भाई वो अपनी जो है ईटिंग हैबिट्स, वो ईद के ऊपर लाइक आप स्पाइसेस कम लें, अपनी मेडिकेशंस का ख्याल रखें, लेकिन ये है कि वो हर चीज खा पी सकते हैं, दैट इज यूरिक एसिड के लिए थोड़ा सा है कि यूरिक एसिड खास तौर पे जो मीट के भी दो पोर्शन है, एक रेड मीट है और एक वाइट मीट है, तो स्पेसिफिकली जो आजकल अब हमारे जो कुर्बानी के जानवर होंगे उसमें दो पार्ट्स, अगर उसके एक तो अगर ये कि उसका जो लेग का जो रान का पोर्शन है उसको ना खाया जाए, और दूसरा जिसको हम चॉप्स कहते हैं जो उनकी चांपे होती है वो वाला हिस्सा अगर ना खाया जाए तो यूरिक एसिड की एक्सेस से बचा जा सकता है। स्पेसिफिकली ये दो पोर्शन जैसे हैं जो कि रेड मीट, जो रेड मीट स्पेसिफिक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं आपसे वो फटाफट पूछती हूँ। उनमें एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि डायबिटिक पेशेंट्स अपनी डाइट में क्या प्रिकॉशंस लें डायबिटीज के लिए, उनका यही है। एक तो ये कि डायबिटीज के साथ में कोलेस्ट्रॉल का इशू कॉमन होता है, तो वही अगेन रिपीटेडली वही बात है कि बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल को, और दूसरी चीज़ ये कि आजकल इसके साथ में फिर ये है कि जो कोला ड्रिंक्स हैं उनका यूज़ फिर ज़्यादा हो जाता है। हाँ। तो ये कि उसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो स्पेसिफिकली इन दो चीज़ों का ख्याल करते हैं। बाकी रूटीन में जो अपनी शुगर के लिए शुगरी आइटम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो ज़्यादा रूटीन में जैसे वो परहेज करते हैं, नान नहीं खाना चाहिए पर्टिकुलरली, क्योंकि नान के अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इनका जरा कोल्ड ड्रिंक्स का और नान का इनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, ये एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉमन कॉजेस ऑफ बर्निंग फीलिंग इन स्टमक। कॉमन कॉजेस में वैसे तो बहुत सारी, लेकिन जो जनरल एवरीडे लाइफ में जो दो चीजें, एक तो यही चीज है कि ईटिंग हैबिट्स के साथ में बहुत ताल्लुक है, कि उसके साथ में अगर फूड कंटेंट ऐसा है कि वो इट इज प्रोड्यूसिंग मोर एसिडिटी, जिसमें ऑयली आइटम्स जो है दे टेक डबल द टाइम ऑफ डाइजेशन, और उसकी वजह से फिर एसिड प्रोड्यूस होता रहता है, दैट एसिड बिकम्स ट्रैवल्स टू टुवर्ड्स द थ्रोट। और दूसरी फिर चीज़ ये कि स्टमक के अंदर कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे खास बैक्टीरिया होते हैं कि अगर खाना पीना हमारा अच्छा नहीं है तो वो बैक्टीरिया स्टमक का एक लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं, और उस वजह से एसिडिटी ज्यादा बनती रहती है। ठीक है, और फिर इन्हीं की वजह से आगे चलकर स्टमक अल्सर्स जो है बनते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डस स्मोकिंग इफेक्ट द स्टमक एंड इट्स फंक्शनिंग। यस डेफिनेटली, स्मोकिंग का तो बल्कि मैं अपने अक्सर अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ, क्योंकि जनरली जो हम स्टमक की मेडिसिन देते हैं वो दिन में एक या दो दफा होती हैं, और लेकिन जो लोग स्मोक कर रहे होते हैं वो दिन में मल्टीपल टाइम्स स्मोक करते हैं। एवरी टाइम यू आर स्मोकिंग यू आर प्रोवोकिंग योर स्टमक के वो एसिडिटी ज्यादा बनाए। और दूसरी फिर चीज ये कि एक आम जुबान में एक मैदे का जो जहाँ पे फूड पाइप हमारा खत्म हो रहा है और जहाँ पे स्टमक शुरू हो रहा है, जो मैदे का जो जंक्शन है वो लूज हो जाता है, और उसकी वजह से जो हार्ट बर्न है वो एग्रेवेट हो जाता है। तो ये दो चीजें
بیڈلی افیکٹ کرتی ہیں. اچھا ایک جو چیز ہمارے ہاں بڑی وہ پوچھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اوپر جو وہ جب کچھ کھاتے پیتے ہیں ان کے اوپر ان کی کن چیزوں سے ان کے اسٹمک کا یا پیٹ میں سے بچے شکایت کرتے ہیں ہمارے پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے کچھ بھی کھانے پینے کے بعد یا کچھ بھی, تو اس سلسلے میں کچھ ایسی گائیڈ لائنس جو بچوں کے لیے آپ دینا چاہیں. اس میں بچوں کے لیے تو جنرلی ویسے تو بچوں کے لیے یہ کہ ہیلدی ڈائٹ اور بیلنس ڈائٹ ان کو سبھی کچھ کھانا چاہیے, لیکن دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ ایک تو آج کل سارا جنک فوڈ کا بہت زمانہ ہی ایسا ہے کہ جنک فوڈ سب بہت کھایا جاتا ہے, ایک تو جنک فوڈ سے اوائڈ کرنا ہے, دوسرا یہ جو زیادہ چپس کینڈیز چاکلیٹس ان کا, کیونکہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے اسٹمک تو ڈسٹرب ہوتا ہے, ایسیڈیٹی چاکلیٹ سے ایسیڈیٹی بہت زیادہ بنتی ہے, تو اس کا خیال کرنا ہے. اور دوسری یہی چیزیں کہ ان کی جو ہائیجین ہے وہ اچھی ہونی چاہیے, ہائیجین اچھی ہونی چاہیے. تو یہ لیکن بچوں میں ایشوز زیادہ ان چاکلیٹس کینڈیز, مطلب لوگ ان کو منع تو کرتے رہتے ہیں بچوں کو, لیکن اگر کسی بچے کو بھی سمجھانا ہو کہ آپ کو یہ نہیں لینا چاہیے تو وہ بیسیکلی ان کے اندر جا کے ان کا برا افیکٹ ہوتا کیا ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ چاکلیٹ سے ایسیڈیٹی ہوتی ہے, باقی چیزوں سے کیا ہمارا اسٹمک جو ہے وہ پھر رائٹ چیزوں کو ایکسیپٹ اس طریقے سے نہیں کرتا, یا مطلب کیا اس میں یہی ہے کہ چیزیں بس جیسے میں نے پہلے کہا کہ ماڈریشن میں ہونی چاہیے, ہر چیز آپ تھوڑی تھوڑی تو کھا سکتے ہیں, لیکن اگر ایک چیز اگر آپ بہت زیادہ شروع کر دیں گے کھانا تو اس کے ساتھ میں پھر پرابلم تو ظاہر ہے آئے گا. تو اس میں یہی چیز ہے کہ بچوں کو دیں کھانے کو, جنک فوڈ بھی کبھی کبھار لینے میں حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ مطلب لائک اگر ہم اسٹمک کے بارے میں دیکھیں تو جو سب سے جو مین ایڈوائس کسی کے لیے بھی ہے وہ یہی ہے کہ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. آپ ہر چیز کو اگر مناسب طریقے سے لیں تو آپ کا اسٹمک آپ کو ہیلپ بھی کرے گا اور آپ انجوائے بھی کریں گے, ہے نا؟ اور بالکل ایک آپ ایک اچھی عید جو ہے وہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی ہر چیز میں اعتدال رکھیں. تو سر بس اسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنا یہ لائف سیشن جو ہے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی کوشچنس ہو یو کین فائر اوے, اور ہیو اے گریٹ عید, اور آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک. بہت عید مبارک.